1-800 से अप्रोच जी सर, आप यस टू बी टर्निंग लेफ्ट वेल आर प्रोसीडिंग बैक सर, वी हैव लॉस्ट इंजन कंफर्म यू आर कैरिंग आवर बैली रेडी रनवे अवेलेबल टू लैंड एट 25 बजर सर मेडे 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 पाकिस्तान 803 पाकिस्तान 803 रोजर सर बोथ रनवे अवेलेबल टू लैंड हमारा जहाज A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था फाइनल अप्रोच पे स्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की वो ये कह रहे थे कि मुझे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप ये लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। यार अभी मेरा बंदा आज है ना, आपने बहुत सारे धक्के दिए मुझे, ठीक है ना। मैं आपको यार इसके अंदर फ्यूल होगा, इधर से पीछे हटवा ले। लैंडिंग के लिए कॉल होके मिल सर, लैंडिंग बंदा आगे हट जाओ, सुधर जरा उसके पास, आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ दादी। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से कितनी लाशें निकल चुकी हैं? 20 के करीब होंगी अभी तक। इस वक्त ऑपरेशन भरपूर तरीके से लीड कर रहे हैं फैसल भाई, सारा ऑपरेशन देख रहे हैं, 20 के करीब लाशें निकल चुकी है। फैसल भाई, घर के ऊपर से लाशें क्यों मिल रही हैं? ये घर के ऊपर से नहीं है, हाँ। ये जली नहीं है, गलियों से निकाली है। ऊपर जो लाशें गिरी थी ना, हाँ। जो अंदर पैसेंजर की कुछ लाशें ऊपर भी गिरी थी, अच्छा। उनको हम बराबर के घरों से उठा के लेकर आ रहे हैं। जैसे यहाँ से भी एक लाश, अच्छा, लोग यहाँ पे काम करने वाले थे वो भी जले हैं, क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी, घरों के अंदर तक गई आग, और इसमें लोग बहुत बड़ी तादाद में जले हैं। जो मकानी लोग यहाँ मोहल्ले के रहने वाले हैं वो जले हैं, और वो अभी भी लाशें निकल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लाशें जा रही हैं सारी। और फैसल भाई, कितनी देर में आपके ख्याल में ऑपरेशन जो होगा मजीद चलेगा? अभी दो दिन लगेंगे, दो दिन लगेंगे अभी, जब तक ये बड़े बड़े इंजन बनवा नहीं हटेगा ना, नीचे दबे नहीं लोग। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, पाँव नहीं रख सकते आप नीचे, पानी में आग है, बहुत गर्म हो रहा है पानी। देखिए किस तरह रजाकार काम कर रहे हैं नीचे, इन्हीं के रजाकार हैं। और सारी बॉडीज निकाली जा रही हैं, 20 बॉडीज फैसल भाई बोल रहे हैं अब तक निकाली जा चुकी हैं यहाँ से। और जहाज का पूरा फर ये सामने पड़ा हुआ है, जब तक ये नहीं हटेगा। 15-20 के करीब जख्मी, ¡Gracias!
भाई साहब आप मेहरबानी करके इधर सवाल भी करने वाली है, इससे ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शॉट को क्लियर करें, जल के कच्चा होगी, बीमार कती होगी या क्रैश होना।